हाँ तो अपन अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, तो उसमें पहला रूल अपन लिख रहे हैं डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय टू। तो लिखो आप एक नंबर टू से डिविजिबल होगा। एक नंबर टू से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर का यदि उस नंबर की वंस प्लेस की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। एक नंबर टू से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की वंस प्लेस की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। वंस प्लेस की डिजिट को अपन और क्या बोल सकते हैं? लास्ट डिजिट। क्या बोल सकते हैं? लास्ट डिजिट। चलो रिवाइज करो, वापस बोलते हैं एक बार कि एक नंबर टू से डिविजिबल होगा। दो का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि एक नंबर टू से डिविजिबल होगा यदि उसके लास्ट डिजिट या फिर यदि उस नंबर की वंस प्लेस की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। फॉर एन एग्जाम्पल 248 लास्ट डिजिट क्या है बेटा? वंस प्लेस डिजिट क्या है? इक्वल्स टू 8। सो 248 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन डिविजिबल रूल बाय 5। एक नंबर 5 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की वंस प्लेस की डिजिट, वही लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, यदि वंस प्लेस की डिजिट 0 या फिर क्या हो 5 हो। फॉर एग्जाम्पल 245 फर्स्ट प्लेस की डिजिट क्या बेटा? लास्ट प्लेस की डिजिट 5। तो 245 इज डिविजिबल बाय 5। सिंपल, 2 का 5 का और 10 का रूल सेम चलता है बेटा, इसलिए 5 का भी मैंने लिख लिख लिया। लिख लिया, वापिस बोलता हूँ मैं कि एक नंबर 5 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की वंस प्लेस की डिजिट आई मीन लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो। एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ओके, अब बात करते हैं अपन डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। एक नंबर 10 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की वंस प्लेस की डिजिट क्या हो? ओनली 0, 0, 0। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो क्या 10 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट 0 ही होनी चाहिए। ओके, तो जैसे 340 लास्ट डिजिट 0, सो 340 इज डिविजिबल बाय, समझ में आया? 2 का 5 का 10 का रूल लास्ट डिजिट पर डिपेंड होता है। यदि लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि कोई एक है तो 2 से डिविजिबल है। यदि लास्ट के लिए 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल है। यदि लास्ट के लिए 0 है तो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 3 के रूल की। किस क्या कहते हैं 3 के रूल? 3 और 9 का रूल सेम है। तो एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की यदि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ इट्स इज डिविजिबल बाय 3। ये कह रहा है कि एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा यदि
उस नंबर के जितनी भी डिजिट होते हैं ना डिजिट, उन सभी डिजिट को अपन सम करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो 3 से डिजिट होना चाहिए। समझ में आया? ये अपन पिछली बार भी पढ़ा था, ध्यान है ना। एग्जाम्पल 363 ये नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम लगा के देखेंगे किस किस का, सभी डिजिट का, 3 + 6 + 3, तो देखो क्या सम कितना है, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है ना, 12 इज डिविजिबल बाय 3, यस, सो 363 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ में आया? अब बात करते हैं अपन नो के रूल, किसकी बात करते हैं, नो, सेम रूल है, 3 का नो का रूल सेम है कि एक नंबर नो से डिविजिबल होगा यदि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ डिविजिबल बाय 1, कि एक नंबर नो से डिविजिबल होगा यदि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ इट्स इज डिविजिबल। ओके, सही नंबर बना देते हैं, क्या बना है, 396 बना लिया, चलो 396 सबको जोड़ के देखो भैया, जोड़े 3 + 9 + 6 इज इक्वल टू कितना बार बच्चा, 9 3 12 18, क्या 18 9 से डिविजिबल है, यस, तो 396 ऑल्सो डिविजिबल है 9। समझ में आ रहा विशेष? चलो अब बात करते हैं अपन, अपन एक उम्र सा रूल पढ़ लिया, 2 5 10 3 और 9, अब पढ़ते अपन 4 और 8 का रूल, किसका, 4 और 8 का रूल, ये भी सेम चलता है। मैं जो जो भी आपको इसे ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तो उनको आपको याद भी उसी तरीके से करना है, कि अगर मैंने 2 5 10 का रूल पढ़ाया पहले तो 2 5 10 के रूल को एक जैसे याद करो, 3 9 का पढ़ाया तो 3 9 के रूल को एक जैसे याद करो, ये सब रूल का रीजन है मेरे को एक तरह से अलग अलग पढ़ाने का या साथ साथ में पढ़ाने का, ताकि आपको जल्दी से याद हो, बहुत सिंपल रूल है, अपने बहुत प्रिंसिपल भी याद किए। ओके, तो मुझे थोड़ा सारा मिटाना पड़ेगा उसमें, सब नया लिखना ही पड़ेगा। एक नंबर डिविजिबल होगा 4 से, एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की, यदि उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट, एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखाया है, हो सकता कुछ अलग लैंग्वेज हो, बट अपन को देखो रूल याद करने और पे जाके कॉपी पेस्ट ना करने, इसलिए मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है कि एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। बुक की लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ा बहुत मैं बुक की लैंग्वेज में भी लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि बुक में क्या लिखा हुआ है ना। चलो बुक की कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि इसमें लास्ट 2 डिजिट लिखा होगा, उसके वजह से लिखा होगा टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस, इस तरह मैं लिखा हूँ बुक की लैंग्वेज में, लिखा के बाद मिटा दूंगा अभी, क्लियर है ना। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its digit in the tens and ones place is divisible by 4. नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वापस समझो उसको, ये कह रहा है कि एक नंबर डिविजिबल होगा 4 से यदि उस नंबर के, इफ द नंबर फॉर्म बाय इस डिजिट इन द, यदि
टेन और वंस प्लेस पर जो नंबर है ना, उससे जो नंबर बना, मैंने वंस और टेन्स प्लेस पर जो भी डिजिट है ना बेटा, उनसे जो भी नंबर बन रहा है ना, वो जो नंबर बन रहा है, सपोज जैसे आप एग्जाम्पल बता रहे हो, जैसे 48, तो वंस और टेन्स प्लेस की डिजिट है 48, नंबर क्या बन गया 48। यदि ये 48 नंबर है ना, 4 से डिविजिबल है ना, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये था, उतार लो उसको, फिर मैं इसके बाद रख कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम 48, 4, 48, ठीक है, नंबर ऑफ लास्ट टू डिजिट, नंबर ऑफ वंस टेंस एंड प्लस टेंस, नंबर फॉर्म FOR LED from 10 and once digit equals to 48. Okay, no? 48 is divisible by 4. Yes. So 48 is divisible by समझ में आ गया। सेम एक ही रूल फिट 8 के लिए, यहाँ पे अपन लास्ट 2 डिजिट की बात करी है और अपन लास्ट के 3 डिजिट की बात करें। अब बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं कि सर यदि नंबर ही अपने को 2 डिजिट का दिया हुआ है और उसके लिए 8 का रूल पूछा है, तो मेरे भाई उसके लिए देखो 8 का रूल लगाने की जरूरत ही क्या, 80 तक तो 8 की टेबल में आ जाता है, कि 2-4 तो ऊपर नीचे कर सकता ना, प्लस माइनस कर दो, क्या दिमाग लगा दे। तो अगर 2 डिजिट का यदि कोई नंबर आता है तो सिंपल डिवाइड करके देख लो ना, यहाँ क्यों दिमाग लगाने का, ये तो कभी कोई बड़ी संख्या रहती ना बच्चा, तो उसके लिए रूल है, समझ में आया, कोई बहुत ही बड़ी संख्या आ गई अब उसको तुम डिवाइड करने कम बैठोगे, लास्ट की 3 डिजिट देखो या फिर लास्ट की 2 डिजिट देखो, 4 और 8 का रूल कवर हो जाएगा, समझ में आ गया, उन्हीं के लिए तो बना ये रूल। ओके, अब मैं डिविजिबल बाय 8 का रूल लिखाता हूं, डिविजिबल बाय 8, एक नंबर 8 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, नंबर फ्रॉम बेटा जन 100 ये 300 टेंस एंड लास्ट 848, मुझे तो पता 848 किस में था, 8 से डिविजिबल होता है, 848 इज डिविजिबल बाय 8, यस, सो यस यस, इतना सिंपल है ना, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा बेटा, समझ में आया क्या, कि एक नंबर 8 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, और 4 का क्या बोलता है, लास्ट की 2 डिजिट, समझ में आ गया, 2 डिजिट की बात करें तो 4 का और 3 डिजिट की बात करें तो 8 का, उतार लो जल्दी से, फिर मैं मिटा दूंगा। ओके, अब बात करते हैं अपन डिविजिबल बाय, अब अपने को मिटाना 5 रूल पड़े, जिसमें से 3 रूल तो बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट में बताइए लगा, एग्जाम्पल ही दूंगा ना, चलो देख लो, डिविजिबल बाय 6, बेटा पहले 6 12 एंड 15 मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, फिर एक टेबल बनाऊंगा बेटा जो देखना, तो मैं ध्यान पर देखा मैं जो टेबल बना रहा हूँ ना, उससे तो टेबल भी नहीं है, चित्र है क्या बोलते हैं प्रति रूल, हाँ जो भी चलो बेटा 6, 12, 15 इतना आता है ना, चलो इसके भी 2-2 डंडे खींचो, खींच लिए 2×3 3×4
3 × 5 मुझे जरा बताना जादू नहीं बेटा, 2 को 3 से मल्टीपल करने 6 आ रहा है क्या? यस। 3 को 4 से मल्टीपल करने 12 आ रहा है क्या? यस। 3 को 5 से मल्टीपल करने 15 आ रहेगा? यस। तो ये तो रूल है कि एक नंबर 6 से डिविजिबल होगा यदि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 12 का भी रूल है, एक नंबर 12 से डिविजिबल होगा यदि वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। अब 3 का रूल भी बता दिया, 4 का भी बता दिया, 2 का भी बता दिया मैंने आपको रूल। एक नंबर 15 से डिविजिबल होगा यदि वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अब इसको मैं थ्योरी में लिखवा दूं, ठीक है? लिखवा देता हूं रूल फॉर 6। देखिए मैं तुमको इसको भी लिखने वाला हूं। एक नंबर 6 से डिविजिबल होगा यदि वो 2 और 3 से डिविजिबल। एंड लगाया और नहीं लगाया, ध्यान, दोनों से डिविजिबल की बात कर रहा हूं। 2 से 3 से अगर नहीं हुआ नहीं चलेगा, 3 से 2 से नहीं हुआ नहीं चलेगा, दोनों से होना जरूरी है, ठीक है? उतार लो, चलो सेम 12 का। एक नंबर 12 से डिविजिबल होगा यदि वो 3 और 4 से डिविजिबल। कितना सिंपल है, चलो उतारो, उतार लिया। 15 के लिए भी सेम रूल है कि एक नंबर 15 से डिविजिबल होगा यदि वो 3 और 5 से डिविजिबल हो। उतार लिया, चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या बताता हूँ मुझे एग्जाम्पल? कौन सा एग्जाम्पल है? 480। क्या 480 6 से डिविजिबल है? यस। कैसा आया देखो, 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल। ये तो बोलता है ना, क्यूब है या दीदी? सिक्स से डिविजिबल का रूल क्या बोलता है? अगर एक नंबर 2 और 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल होगा। क्या 2 से डिविजिबल है? लास्ट की डिजिट 0 आ रही ना, यस 2 से डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल है? चलो इनको जोड़ो, 4 और 8 12 0 12 12 3 से डिविजिबल है, यस। तो 480 भी होगा, यस। तो ये 6 से डिविजिबल है, आया समझ में? ओके, अब 12 के डिविजिबल की बात करते हैं। 12 क्या कहते हैं? 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 80। क्या 84 से डिविजिबल है? यस। 3 से डिविजिबल है? यस। 48 था ना, 480 वो अपने पहले बोल लिया, 3 का 3 12। यस। 15 की बात करें, वो देखो मैं तो बाबा इसमें चेंजेस करता रह रहा हूँ, आपको बार बार वीडियो को है ना स्टॉप करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने चेंजेस किया, देखो अभी 15 किया है, पहले 12 था वो पहले 6 था, यहाँ पे 4 और 2 की जगह अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, 5 कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम तो 1 को उतार लिया और रहने दिया, मैंने तीनों के रूल लिखा है, पहले 6 का बताया एग्जाम्पल, फिर 12 का बताया और 15 का बता रहा हूँ। मैं तो चेंज इसी में कर रहा हूँ, बट आपको वीडियो को स्टॉप करके इसको चेंजेस करने होंगे, ठीक है? 485 से डिविजिबल है, यस। लास्ट की डिजिट क्या है? 0। और 3 से है, आ गया समझ में? ओके, अब लास्ट के 2 रूल है। जिनकी बात करते हैं, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 लिखे अपन। ए नंबर इज, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस, DIFF लिखा हूं बेटा, डिफरेंस लिखा है मैंने ना, बिटवीन
between twice the once digit here February once digit A what we follow a number is divisible by 7 if the difference between twice the once digit and the number formed and the number formed by the other digit is either 0 or multiple of 7. In बताऊंगा जरा इसको फिर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा फिर मैं समझा भी देता हूं। ये कह रहा है कि एक नंबर 7 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की जो सबसे लास्ट डिजिट है वंस प्लेस की डिजिट उसको एक तो आप डबल कर लो बाकी जो डबल डिजिट बची उससे जो नंबर बना उस नंबर में से वो जो डबल किया ना बेटा अपन उसको माइनस कर दो फिर जो आंसर है या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो 7 से डिविजिबल है अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया बेटा वापस बोलो एक नंबर 7 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की जो सबसे लास्ट डिजिट है ना वंस प्लेस की डिजिट को डबल कर लो डबल करा वो नंबर साइड में रख दिया अब जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं उन रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बना उस नंबर में से जो डबल किया ना उसको माइनस कर दो फिर जो आया आंसर वो अगर 0 आना चाहिए तो वो 0 नहीं आया तो फिर क्या आना चाहिए 7 का मल्टीपल अगर 7 का मल्टीपल आ गया तो डिविजिबल 7 है। अब एग्जांपल लेते हैं इसको मैं मिटाऊंगा बेटा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया क्या लेंगे एग्जांपल 6804 तो इसको वंस प्लेस डिजिट इजिकल्स टू 4 मुझे नहीं आ रहा इजिकल्स टू 4 × 2 = 8 नंबर फॉर्म बाय रिमेनिंग डिजिट दैट्स रिमेनिंग डिजिट स्प्रिंग टेबल ऑफ डिजिट डिजिट इजिकल्स टू 680 ओके अब डिफरेंस निकाल दो निकालो डिफरेंस 680 - 8 = 672 672 इज डिविजिबल बाय इज मल्टीपल ऑफ 7 यस सो 6804 इज डिविजिबल बाय 7 समझ में आया ओके okay. अब एक लास्ट ओके हाँ बिल्कुल लास्ट अब और एक लास्ट बेटा दो बेटा लिख लो चलो डिविजिबल बाय इलेवन ये भी बहुत अच्छा रूल है 7 का रूल तो बेटा बहुत रेयरली कैसे यूज होता है क्योंकि ये रूल इतना बड़ा है इसको लगाने से पहले सब सोचते हैं यार डिवाइड करके देख लेते ना यार और 11 का रूल भी ऐसा ही है लगाने से पहले डिवाइड करके देख लो चलो बात करते हैं अपन रूल की ए नंबर इज डिविजिबल by 11 if the difference को डी आई डेवलप करो और the sum of its digits in
court place and the sum of its digits in even place. बेटा जान ही नहीं आपको कि वंस ओल्ड प्लेस इवन प्लेस की डिजिट आता है कहाँ से स्टार्ट होगा. जब हम बात करें ना ओल्ड प्लेस की डिजिट इवन प्लेस की डिजिट तो ये स्टार्ट होगा वंस से स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होगा बताइए. वंस डिजिट द वंस प्लेस is either P is here is either G or a multiple of P. Wait on card to give us to general again. सुनो कि एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा इफ द डिफरेंस ऑफ किसका डिफरेंस की बात कर रहे हैं उस नंबर के जो भी ओड प्लेस पर नंबर है उन सबको जोड़ दो और जो भी इवन प्लेस पर जो नंबर है उन्हें जोड़ दो. उन दोनों का डिफरेंस है यदि उन दोनों का डिफरेंस जीरो आता है या फिर 11 के मल्टीपल आता है. ठीक है हमने इसको समझा तो दिया. मैंने इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ. समझ आया क्या वापस बोलो. एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा यदि उस नंबर की सभी ओड प्लेस के नंबर ओड प्लेस की डिजिट का सम और सभी इवन प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस यदि जीरो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो. और बेटा ये जो ओड इवन देखा ना बेटा ये अपने को वन से लेकर इधर इस साइड चल रहा है. वंस वाला प्लेस वन होगा और टेन वाला प्लेस क्या होगा ओड होगा इवन होगा इस तरह समझ में आया ना. ओके एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट में नंबर का. एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल 90728 तो लिखेंगे सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट. बेटा ओड प्लेस की डिजिट कौन सी मैंने क्या बोला इधर से स्टार्ट करेंगे पहला नंबर तीसरा नंबर और पांचवा नंबर तो 8 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 24 तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट क्या बेटा वही 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 डिफरेंस इज इक्वल टू 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22 22 इज मल्टीपल ऑफ 11, so 90728 is divisible by 11. ये अपन ने सारे डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ लिए और इसको अपन को अब मेरे हिसाब से सारे डिविजिबिलिटी के रूल आपके क्लियर हो गए. ओके अपनी क्लास यही खत्म करता हूँ मैं और आप सबसे निवेदन है घर पे रहिए सुरक्षित रहिए जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले. ये बीमारी बहुत खतरनाक है. ओके बच्चा चलो बाय बाय टेक केयर.